तो नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सूर्य नारायण का एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सूर्य नारायण के इस जगह के बारे में। सूर्य नारायण जो है माता सबरी का स्थान है, यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। दोस्तों, सूर्य नारायण का यह पवित्र धाम जो धार्मिक स्थल है, वह महानदी के तट पर स्थित है और यहाँ भगवान श्री राम के साथ साथ माता सबरी का यहाँ पे निवास है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मंदिर परिसर। लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और ये है बरगद का अद्भुत वृक्ष जिसमें दोने के आकार की पत्ती लगी हुई होती है। यहाँ पे मंदिर के बारे में कुछ विशेष सूचना दिए गए हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही मुख्य मंदिर है। वहाँ भी आपको लेकर के चलेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वह है माता सबरी का स्थान। और यहाँ पे, और ये जो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, यही है यहाँ का मुख्य मंदिर जिसमें भगवान श्री राम विराजमान हैं अपने परिवार के साथ। और यहाँ पे अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा के लिए छोटी सी गली बनी हुई है जिसमें यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु भक्तगण अपनी परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और भगवान के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। यहाँ पर आप नारियल, चावल या सिक्के आदि चढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं, आज के दिन भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे प्रतिदिन लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। यही है दोस्तों मुख्य मंदिर। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हम लोगों को भी आधा घंटा लग गया था यहाँ पे। और यहाँ पे भी छोटी सी एक मंदिर है। यहाँ पर मंदिर में एक छोटा सा नंदी बना हुआ है जिसके कानों में अपनी आप जो है जो भी इच्छा प्रकट करेंगे, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके कानों में जो भी आपकी मनोकामना है, आप उनके कानों में बोल सकते हैं। और यहीं पर पास में एक छोटा सा शिवलिंग का मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ है जहाँ पे ताला लगा हुआ, देखने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं अंदर भी भगवान है। तो दोस्तों, अभी फिर से हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं बाहर की तरफ और जो सामने सफ़ेद कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है, वही भगवान राम सीता का मंदिर है। और सामने जो मैंने जैसे कि पहले बताया था, यही है वो वट वृक्ष जिसमें दोने के आकार की पत्ती लगी हुई होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे आप नारियल खरीद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ से जाते हुए आपको बाएं की तरफ मुड़ना है और यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं माता सबरी के आश्रम के अंदर, और आश्रम का अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सामने आप देख सकते हैं तैरता हुआ पत्थर लिखा हुआ है, कांच के एक बॉक्स में एक पत्थर है जो कि तैरते हुए नज़र आता है। फिलहाल इसमें पानी नहीं है इसलिए पत्थर तैर नहीं रहा है, लेकिन यह पत्थर तैरता हुआ नज़र आता है। दोस्तों ये वही पत्थर है जिस पत्थर से भगवान श्री राम ने लंका पे जाने के लिए सेतु बनाया था। सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं, और माता सबरी जो है एक टोकरी में बेर लेके उनके लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। दोस्तों आश्रम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह जो आश्रम है माता सबरी का आश्रम है, उनके नाम पर इस आश्रम का नाम रखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ ही कुछ मंदिरें बनी हुई हैं, चलिए देखते हैं। अरे बाप रे, लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो चलिए इधर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको भगवान श्री राम, यहाँ पे भी आपको विराजमान दिखाई दे जाएंगे, और यहाँ से आगे बढ़ने पर भी कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी माता सबरी बेर लेकर के भगवान प्रभु के चरणों में सेवा में हाजिर है। यहाँ पे भी भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विराजमान है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आश्रम का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अभी हम ऊपर चढ़े हुए हैं तो चलिए नीचे चलते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे बाहर, आश्रम के बाहर जाने का रास्ता है ये। तो चलिए दोस्तों मंदिर तो घूम चुके हैं, अब चलते हैं मेले की तरफ। और ये मंदिर परिसर में, ये मंदिर परिसर से बाहर जाने का रास्ता है, चलिए चलते हैं बाहर और आपको लेकर के चलते हैं मेले वाले इलाके में जहाँ पे मेला लगता है। तो अभी हम आ चुके हैं महानदी के तट पर, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी माता सबरी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बेर खिलाते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग ज़्यादातर मंदिरें जो है भगवान श्री राम के ही दिखेंगे, जहाँ पे भगवान श्री राम को बेर खिलाते हुए माता सबरी नज़र आ जाएंगी। यह है महानदी का किनारा। दोस्तों यह वही जगह है जहाँ पे मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, और यहाँ पे खूबसूरत सा छोटा सा फव्वारा बनाया गया है। आप जो सामने देख पा रहे हैं ये है महानदी। यहाँ पे इस महानदी के किनारे में यहीं पे ही मेले का आयोजन किया जाता है, और इस महानदी में आप नाव सवारी का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं नाव की सवारी करने के लिए। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों यहाँ पे नाव सवारी का,
अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो इसका आनंद ज़रूर उठाएं, अपने दोस्तों या परिवार जिनके भी साथ यहाँ पे आते हैं आप नाव की सवारी अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये था शिवरी नारायण का एक छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।